कालाढूंगी के राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि विषय की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन भेजा और शीघ्र अतिशीघ्र बीएससी कृषि विषय की पढ़ाई राजकीय महाविद्यालय में शुरू करने की मांग की। इसी दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में बीएससी कृषि विषय की को शुरू किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा कई बार की जा चुकी है, लेकिन विद्यालय में अभी तक बीएससी कृषि विषय की कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अधिकांश गरीब बच्चे कृषि विषय की उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसके तहत ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए मांग की है कि एक सप्ताह के भीतर बीएससी कृषि की कक्षाएं शुरू किए जाने को लेकर जो प्रस्ताव शासन में लंबित है उसे स्वीकृति प्रदान की जाए, नहीं तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा 20 अगस्त से ब्लॉक प्रमुख मुख्यालय के अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कालाढूंगी से मुकेश हिमवाल की रिपोर्ट। आज हमारे द्वारा विकासखंड कोटाबाग में खंड विकास अधिकारी जी को राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में विगत वर्षों से जो क्षेत्र की एक मांग है बीएससी एजू को लेकर, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है और उसमें यह मांग की गई कि एक हफ्ते के अंदर रांची महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी एजी का संचालन किया जाए, नहीं तो क्षेत्रवासियों द्वारा विद्यार्थी द्वारा विकासखंड कोटाबाग में एक अनिश्चितकालीन धरने किया जाएगा। और कई बार शासन में इसके पत्र विद्यालय द्वारा दिए गए हैं जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक जी द्वारा भी इस पर घोषणा की गई जिसमें आज तक कोई भी शासन आदेश संचालन हेतु विद्यालय के पास नहीं आया है। तो हमारी यह मांग है कि जल्द से जल्द राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी एजी का संचालन हो, नहीं तो सामूहिक रूप से क्षेत्रवासियों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर, मुख्य भवन पर हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे।